कि आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ शिवानी वर्मा। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी कन्नौज में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गिरजाघर, चर्च, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर बजते हैं, जैसे कि मंदिरों में आरती होती है और मस्जिदों में अजान होती है, तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो अजान की आवाज़ है वो मस्जिद के बाहर ना जाए और जो आरती की आवाज़ है मंदिर के बाहर ना जाए। ये दोनों पक्षों पर लागू होगा। तो इस पर हम लोग आज कन्नौज में मौजूद है, तो कन्नौज में जो मुसलमानों की राय, उनसे पूछेंगे क्या इस फैसले पर वो क्या सोचते हैं, देखता है। और कुछ मस्जिदों ने इसका पालन भी करना शुरू कर दिया, वहाँ से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और जिनकी आवाज़ सिर्फ मस्जिदों में ही रहे उस तरीके की लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। कुछ मंदिरों ने भी इस पर पहल शुरू कर दी, उन्होंने भी जो हाई साउंड वाले माइक थे उनको हटाया है और कम साउंड वाले कम स्पीड वाले जो माइक थे उनको लगाया है। तो आइए चलते हैं कन्नौज की जनता से और ख़ास तौर से मुसलमानों से पूछते हैं कि उनको इस फैसले पर कैसा लग रहा है और क्या वो सोचते हैं। कन्नौज में एक मस्जिद के बाहर मौजूद है, नवाज छूट चुकी है। कुछ नवाजियों से पूछते हैं कि जो ये योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया इस पर वो क्या सोचते हैं। सर, आप क्या इस फैसले पर सोचते हैं? फैसला सब ठीक है, जैसा चाहे सरकार वैसा हो रहा है। और ये दोनों पक्षों पर लागू होगा, हिंदुओं पर भी होगा, मुसलमानों पर भी होगा। बिल्कुल बंद कर दो, ये डीजे पीजे सब बंद करवाओ, सब कुछ बंद करो, सब कारोबार बंद हो। सरकार ने ये कहा है कि मस्जिद और मंदिर के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, स्पीकर लगेंगे और बाकी में आवाज जाए, स्पीड के लगेंगे बाकी में आवाज जाए। समझे ना क्या कहना है? मतलब हम कह रहे हैं कि बाकी ये डीजे पीजे है इसके लिए कोई वो नहीं, सड़क के ऊपर जो डीजे चल रहे हैं डिस्टर्ब होता है, मतलब हो जाते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, मस्जिद तो मंदिर के लिए है, योगी आदित्यनाथ उसी में सबसे ज्यादा पाप होते हैं। बाकी ये रोड पे गाना में डीजे बजते हैं उसमें रोड से उसमें डिस्टर्ब आदमी नहीं होता क्या? उसको भी तो देखना चाहिए। मंदिर में मस्जिद में कौन सी क्या दिक्कत है? कुछ सरकार अगर जो कर रही है तो सही कर रही है, सरकार के सब ठीक है। दो मिनट के आप बताइए क्या सही है? सही है जो अपने जो सरकार कर रही है वो अपने सही है, जो जैसा बनाना वैसा बनाओ भाई। भाई सड़क के ऊपर डीजे बजाना ये सही है, अब ये मस्जिद और मंदिर में लाउड स्पीकर लगे हैं ये गलत है। गलत है ये, आप बताओ अगर रोड सड़क के ऊपर ये अच्छी बात है। कुछ लोगों ने ये कहा कि लोग बीमार रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब होते हैं, मंदिर और मस्जिद की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, मंदिर और मस्जिद की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, बीमार रहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बच्चों को पढ़ाई की प्रॉब्लम होती है। 5 टाइम अजान होती है, अजान में कितने मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं आप बताएंगे? 2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। इसमें क्या डिस्टर्बिंग होगी ये बताएं? जो डीजे बजता है घंटों के हिसाब से बजता है, लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, उसमें डिस्टर्बिंग नहीं होती है, उसमें कोई वो नहीं होता है। सिर्फ बस अजान में वो होती है कि हाँ 2 मिनट के लिए वो हो जाता है कि लोगों को दिल का दौरा पड़ जाएगा या रुक जाएगा दिल, या अजान होने से कुछ वो हो जाएगा। कुछ ऐसा बताएं कुछ जो समझ में आए लोगों को, पब्लिक को समझ में आए, कुछ ऐसा बताएं। शुक्लागंज में मस्जिद मंदिर में जो बात है तो मतलब अच्छी बात है। कली का हादसा हुआ, आपने सुना पढ़ा होगा, उसमें अखबार में देखा होगा, एक लेडीज की जान चली गई जाम की वजह से, किस वजह जाम लगा हुआ, ऐसे जाम यहाँ भी लगते जब लाउड स्पीकर निकलते, रेलियाँ निकलती, फलाना ढिकाना सब कुछ होता है, इससे डिस्टर्बिंग नहीं होता। जो जुलूस निकलते हैं जिसमें मतलब हजारों की तादाद में पब्लिक होती है, उससे डिस्टर्बिंग नहीं है। अच्छा हुआ आपने सुना पढ़ा होगा, उसमें अखबार में देखा होगा, एक लेडीज की जान चली गई जाम की वजह से, किस वजह जाम लगा हुआ, ऐसे जाम यहाँ भी लगते जब लाउड स्पीकर निकलते, रेलियाँ निकलती, फलाना ढिकाना सब कुछ होता है, इससे डिस्टर्बिंग नहीं होता। जो जुलूस निकलते हैं जिसमें मतलब हजारों की तादाद में पब्लिक होती है, उससे डिस्टर्बिंग नहीं है ये, बस 2 मिनट के लिए वो जो अजान हो रहा है उससे डिस्टर्बिंग है, मंदिर में तो कोई कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, उससे डिस्टर्बिंग है इनको, और कुछ नहीं है। ये सरकार जो चाहती है भाई करना चाहिए सही है, ये जो कर रही है वो सही है, वो करना चाहिए वो सही है भाई। उसकी जान गई है, कोई बोलना चाहता है
अपनी राय रखिए। बोलो क्या हो रही है, यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बंद हो जाएगा तो फिर लोगों को दिक्कत, क्योंकि आजान होगी, हमें टाइम पता है, टाइम के हिसाब से हम चलते हैं। हमारा टाइम है, टाइम के हिसाब से चलेंगे। टाइम हो रही है, अगर आजान बंद नहीं कर दी जाएगी, लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप चाहें तो बंद कर दें, हमारी राय तो यही है। वैसे हम लोगों को 2-3 मिनट के लिए कोई वो नहीं है कि उससे कोई दिक्कत हो जाती है। मस्जिद के बाहर नहीं जाएगी आवाज, मंदिर के बाहर नहीं आवाज जाएगी, दोनों पक्षों को लागू होना चाहिए। जैसा सरकार चाह रही है वैसा करें। और क्या जी मोदी जी उनसे पूछते हैं, सर लोग क्या सोचते हैं इस बात पे? ये जो उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया है कि मंदिर और चाहे मस्जिद है, जो आर्थिक की जो जो लाउड स्पीकर की आवाज जो बाहर जाती है, ये जो जगह है जहाँ पे लड़ाई और दंगे के अपराध ज्यादा होते हैं, जहाँ पे ज्यादा इस चीज के वो होते हैं कि झगड़ा हो सकता है, वहाँ के लिए तो बात सही है। लेकिन जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ पर एक मुसलमान और हिंदू लोग मिलकर रहते हैं, ये सब बगल में हमारे हिंदू लोग रहते हैं और ये सब चाहते हैं कि नमाज हमारी अल्लाह से किसी की तकलीफ नहीं है। हम 3 बजे बोले तब कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे बोले तब कोई दिक्कत नहीं है, हम फजर में आदम पर तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी बात की कोई परेशानी प्रॉब्लम है ही नहीं। हम लेकिन वो लोग और अगर कहेगा तो हम आवाज़ धीमी भी कर लेते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जो मैयत हो जाती है यहाँ पे, डेड बॉडी हो जाती है, तो हम माइक बंद भी कर देते हैं। तो आवाज़ देनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कैसा लगता है कि मतलब माइक बजे परेशान रहेगा, ऐसे ही हो सकता है? माइक तो बजे तो आवाज़ तो जाएगी चारों तरफ, तो आवाज़ तो जाएगी। की जो है भागवत यहाँ मुसलमान सुनते हैं और मस्जिद की अजान यहाँ हिंदू सुनते हैं, ये यहाँ तिरुवा का भाईचारा बहुत बड़ा है। इसे आप मिटा नहीं सकते, या इसको बुला सकते, आप देख लीजिए। सर भाई हमारे कोई तो बात ही नहीं, और ना होगी क्योंकि तो हमारे लाउड स्पीकर वाले मंत्री का जो एड्रेस है वो एक अपनी जगह बरकरार है, वो होने भी चाहिए, क्योंकि हर जगह एक वजह से नहीं हो सकती। लखनऊ में अलग है, कानपुर में अलग है, कहीं पर समाज में 4 लोग अच्छे होते हैं वो झगड़ा करते हैं। उनका फैसला बहुत सही है, बढ़िया है, लेकिन जो कि यहाँ पे भाईचारा बहुत बड़ा है, नहीं बुला सकता और नहीं से कोई बुला सकता है, ना कोई बुला सकता है, क्योंकि यहाँ की अजान सब सुनते हैं और यहाँ की जो है कथा ही हमको सुनते हैं, तभी सुनते हैं। और बताए भयंग रात में होता है, पूरे रात रात भर हम लोग बैठ के सब देखते हैं। दिया गया था कि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, पेशेंट को दिक्कत होती है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, इसी वजह से रोक लगाई गई है। सही है कि बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होती है, मगर ये है कि 5 मिनट में कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सुबह 4 बजे उठते, कुछ अजान से उठते हैं। कुछ मंदिर और कुछ मस्जिद प्रशासन भी आ गया है, मस्जिदों से स्पीकर हटाए गए, कम क्वालिटी वाले लगाए, मंदिरों में भी ये हो रहा है काफ़ी। देखिए ये एक अपनी सोच है, जहाँ पर भाईचारा हो और जहाँ पर प्रेम मोहब्बत हो वहाँ आवाज़ बढ़नी होती है। यहाँ जो है इतनी तेज आवाज़ निकलती है मंदिर माइक से, तो इसी मुसलमान को दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए हमारे 4 हाथ बंद रहे ऊपर, तमाम ये भी 4 हिंदू ही हैं, वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं यार, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। कभी किसी ने हमसे कहा हो हमको 18 साल यहाँ रहते हो गए, पहली चीज़ आज तक किसी ने क्यों नहीं बात नहीं करी कि आप माइक क्यों बजा रहे, क्यों नहीं बजा रहे। इतना और है कि अभी शाम होगी, कम से कम 10 वोट जाएंगे और बच्चों को फोन डलवा लिया, मेरा फोन डाल दीजिए अपने बच्चे। ये मोहब्बत कहाँ से लाओगे, ये नफरत थोड़ी ना, ये मोहब्बत कहाँ से लाओगे? हमारे आराम से फायदा लोगे, हमारी फूक से लोग फायदा उठा रहे यार, क्या समझे? यहाँ का फायदा बहुत बड़ा है। आप ये कहना चाह रहे कि भाईचारा बना रहना चाहिए, बना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें मुसलमान हिस्सा लेते हैं। यहाँ की होली में मुसलमान होली खेलते हैं, यहाँ की दिवाली मुसलमान दिवाली खेलता है, यहाँ की हमारे भाई गुजिया बनती है, इनकी गुजिया हम खाते हैं। कहाँ से कहाँ ले जाओगे भाईचारे? हमें इंशाल्लाह थोड़ी कर सकते हो, यहाँ पे जो मोहब्बत ही है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं हिंदू और मुसलमान और समान जाति लोग रह रहे हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ा भाईचारा है, ये खत्म नहीं हो सकता। और रही बात यही है कि हाँ ये है कि कुछ जगहों पर आइए उनसे जानते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया उस पर उनका क्या कहना। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद कामरान खान।
योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि मस्जिद और मंदिरों से जो लाउड स्पीकर से उनकी आवाज कम की जाएगी, जो आवाज है वो सिर्फ परिसर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं। पढ़ाई वाले छात्रों को दिक्कत होती है, पेशेंट को दिक्कत होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि शादी या बारातें चलती हैं, इसमें भी लाउड स्पीकर होता है, इसमें तो रात रात बजता है, और अजान और जो मंदिरों में बजते हैं भजन, वो सिर्फ एक दो मिनट या दस मिनट के लिए होता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोगों को, और जो बारातों में चलते हैं उस दिक्कत उससे होनी चाहिए। ये तो आप इस फैसले को सही नहीं मानते हैं? नहीं, सही तो मानते हैं, है तो फिलहाल सही, बट इसको भी देखा जाए ना कि शादी बारातें और जो ढोल रास्ते से निकलते हैं, इनमें भी सही से रोक लगानी चाहिए। फिर ये तो भगवान और अल्लाह पे याद किया जा रहा है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। और एक एक दो मिनट के लिए जान होती है दिन में पांच बार, एक दो मिनट के लिए, और भजन भी ऐसे होते हैं चार पाँच मिनट के लिए, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका तर्क है कि कुछ पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है, अब ये बात तो उनकी सही है, दिक्कत तो होती है, पर और चीज़ों में दिक्कत होती है, दिन भर इतना जाम रहता है रोडों पे, इतनी आवाज़ें प्रदूषण होता है, उनसे भी दिक्कत होती है, उनके भी कुछ कार्रवाई की जाती है, इस साथ आप नहीं सरकार नहीं नहीं साथ तो ये बात नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, जो करेंगे हम लोग के लिए अच्छे ही करेंगे। तो कुल मिला के आपको लगता है कुछ इस पर और सोच विचार किया जाना चाहिए? हाँ, और थोड़ा सोचा तो ज़्यादा जल्दी कर दिया जल्दी क्या, आप उनको थोड़ा सोचना चाहिए इन सब मामलों पर, लोगों की आस्था लगी रहती है इसी वजह से। तो ये आगे हम किसी अन्य मुद्दे पर कन्नौज से मौजूद होंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ कैमरा मैन अश्विनी राजपूत के साथ सौरभ गुप्ता कन्नौज।